दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्या कह रहा है क्वेश्चन अ कार ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ फोर्टी किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ सिक्सटी किलोमीटर पर आवर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर कितना होगा यह हमको पूछा है तो एक कार है इसने हाफ डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स ये कितने स्पीड से किया तो वो किया 40 किलोमीटर पर आवर और जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है वो कितने स्पीड से किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो जो एवरेज वेलोसिटी है ये हमको पूछी है कितनी होगी तो भाई वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है तो वो होता है एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय टी वन प्लस टी टू अब यहां पर अपने को टाइम तो दिया ही नहीं है क्या अपने को टाइम दिया है नहीं दिया है राइट तो हम क्या करेंगे हम टाइम को एक्स और वी के में लिख देंगे तो वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ठीक तो टाइम क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी आएगी तो हम ऐसे लिखेंगे टी वन इज इक्वल टू एक्स वन अपॉन वी वन और t2 टू इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वी टू लिख देंगे ठीक है ये हमने लिख दिया है ओके तो अब अपने को करना है v average. v टू क्या आएगा x1 कितनी है तो वो है x, x2 टू बी है x डिवाइडेड बाय x अपॉन वी वन प्लस एक्स अपॉन वी टू तो ये कितना आएगा टू एक्स यहां पर आ जाएगा नीचे में हम x को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा का वन अपॉन v1 प्लस वन अपॉन v2 आ जाएगा तो यहां पर x x मर जाएगा तो two डिवाइडेड बाय v2 प्लस v1 divided by v1 v2 हो गया ठीक अब हमको क्या करना है तो हमको ये v1 v2 को ऊपर लेना है तो ये क्या आ जाएगा ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू तो वी एवरेज कितना आ गया है तो वी एवरेज आ गया है ट्वाइस वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू ठीक है अब यहां पर हमको वैल्यूज पुट करनी है टू इंटू कितना आएगा फोर्टी प्लस इंटू सिक्सटी फोर्टी इंटू सिक्सटी डिवाइडेड बाय फोर्टी प्लस सिक्सटी ठीक है कितना आएगा टू इंटू फोर्टी इंटू सिक्स डिवाइडेड बाय हंड्रेड ये जीरो यहां पर मर गया ये जीरो यहां पर मर गया कितना आएगा तो ये आएगा चौबीस फोर्टी एट ठीक है फोर्टी एट किलोमीटर पर आवर आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा तो सी ऑप्शन सही है सी ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ